जाओ। शरीर में घाव है, जाय छाई कोहर ही आया, काटा टोप जंगल बस मैं ऐसा अभागा हूँ जो अपने धर्म पत्नी से नहीं कह सका कि फूला मुझे भैया ने घर से निकाल दिया, भाभी ने कपड़ा छीन लिया। ये फटा वस्त्र मैं समाज से मांग कर लाया हूं, कोई मुझे गांव पर खड़ा होने के लिए नहीं देते हैं। शरीर में कोढ़ी कुश्ती का घाव है, पीज पानी जा रहा है। जिस दिन से मैंने इस घटा टोप जंगल में आया हूं, भोजन तो भोजन पर पानी तक मुझे नसीब नहीं आ रहा। आंख की रोशनी कम हो चुकी, दूर तक मैं नहीं देख पा रहा हूं। कहा जाओ, कोई मुझे पानी पिलाओ, भैया मुझे श्राप दे दिया। कोढ़िया का नहीं छे मैया जी है। भैया आपका भाई रो रहा है, दर दर की ठोकरे खा रहा रुदल। आप है जंगल मैया, कोई मुझे पानी पिलाइए नहीं तो मैं मर जाऊंगा। भोजन पानी के बिना कोई मुझे विपत्ति में मदद कीजिए। पानी कहाँ जाऊँ पानी के लिए, भैया आपका अनुज रो रहा है। भैया अगर अपने पुत्र रुदल को देखकर तू पागल हो जाएगी। पुत्र ये काल छोवा
से माता श्री की कृपा से मदद की इस कोढ़िया को। मैं प्रणाम करता हूं। घाटा टोप जंगल पानी आ भगवान देखिए माता श्री की स्पेशल मदद करते हैं। मैं प्रणाम करता हूं उस कोढ़िया को खाने के लिए। जो चला जाता है संसार से फिर मुलाकात नहीं होती है। देखिए कितना दयालु है। सब माता इस कोढ़िया को मदद करती है। प्रणाम करता हूं माता श्री को। मारा तय हो या फुला। देखिए माता श्री के दिल में कितनी दया है जो रोती हुई दान करते हैं इस बच्चे को। देखिए छोटे भाई पानी का भी इंतजाम कर दी। ए होया कोढ़िया के। देखिए सभी माता श्री मदद करती है। प्रणाम करता हूं माता श्री। देखिए आज सभी बहन हमारी सभी हमारी माता इस कोढ़िया को विपत्ति पड़ गया रुदल को तो सब मदद करते। सबको मैं प्रणाम करता हूँ सभी माताओं को। दुख में सुमरन सब को करे। प्रणाम माता श्री। सुख में करे न को। देखिए माँ को अपने बच्चे पर कितना दया है। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को हो। कुछ देर प्रणाम माता श्री। इस कोढ़िया को हाथ पांव नहीं है और तमाम माता श्री दान करती है इस कोढ़िया को खाने के लिए। मैं सबका शराबहाड़ी बना रहूंगा। कुछ देर इस जंगल में आराम कर लेता हूं उसके बाद चलूंगा कुछ दूर। हेलो सर आपने हम बोला था क्या कोढ़िया है। आ,
बोलिए आप कोरिया कब कोरिया हो गए? बोलिए ना क्या बोलते चलते हैं।